पार्ट सिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास एलेवेंथ। आज पार्ट सिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स सीखते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल्स अनुक्रम सीक्वेंस 8888888 डैश के एन पदों का युगफल ज्ञात कीजिए। एन टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन एस इक्वल 8888888+++ एन टर्म्स। तो 88 के प्लेस पर और कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं और कोई सा भी नंबर अपन ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने 88 वाला लिया, तो 8++888+ एन टर्म्स। अब सबसे पहले कोई भी जो नंबर लेना है उसको कॉमन ले लेना है। एस इक्वल 8 को कॉमन लिया, सभी की प्रोसेस सेम है इसलिए इसको ध्यान से समझें और सुने। तो इसमें 88 की सीरीज थी तो 8 कॉमन लेंगे। 8 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1++++++ एन टर्म्स। अब इसके थर्ड स्टेप क्या है, अब 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी सभी में करना है। तो 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9++++ एन टर्म्स। तो 8/9 के इक्वल आ गया 8/9। अब 9 जो हैं उनको अपन एक 10 में से माइनस करना है। फर्स्ट वाले को 10 में से माइनस करते हैं, सेकंड वाले को 100 में से माइनस करते हैं, थर्ड वाले को 1000 में से -1 कर देंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो सीरीज दी है वो जियोमेट्रिक सीरीज नहीं है। तो जियोमेट्रिक सीरीज बनाने के लिए हमको ये प्रोसेस करना पड़ती है। तो सबसे पहले हमने 8 कॉमन लिया, फिर 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 में से इसको -1 किया तो 9 होते हैं, 100 -1 99 होते हैं, 1000 -1 999 होते हैं। तो ये सीरीज बनाने के लिए इन तीन स्टेप को अपन ने बीच में लाना होता है। अब ये सीरीज बन गई, किस टाइप से बनी, 8/9 10+102+10³+n terms। और जो 1/1 है उसको हमने बाद में लिख दिया, माइनस कॉमन लिया, 1+1+1+2n terms। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम का फार्मूला है SN=r^(n-1)/(r-1)। तो इसमें फर्स्ट वाली जो सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 10 और कॉमन रेशो r=10²/10, 10 से 10 स्क्वायर डिवाइड किया तो 10 आ गया, एन की वैल्यू n है। और लास्ट में जो 1 1 1 n टर्म्स तक है तो इसकी वैल्यू n होती है। अब फार्मूले में इन वैल्यूज को हमने पुट किया, SN=8/9 10^(n-1)/10-1, और ये माइनस एन किसका आया, 1 1 का, तो माइनस एन लिख दिया। अब क्या किया हमने, 8/9 10^(n-1), 10 में से -1 किया तो 9 बचा, -n/1। अब 8/9 का दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18/81 10^(n-1) -8n/9, ये इसका आंसर हो गया। तो इस सीरीज को सॉल्व करने की जितने भी टर्म्स जो शुरू में बताए गए हैं उनको अपन बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, देखेंगे और फिर करेंगे। उस सीरीज को अपन सबसे पहले जीपी सीरीज में चेंज करना होता है। अदर एग्जांपल देखते हैं, जे इन्फिनिटी टर्म तक के लिए है तो जो
अनंत श्रेणी होती है वो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में ही लगती है और किसी में नहीं लगती। एन टर्म वाला अपन ने पढ़ लिया, अब अनंत टर्म इन्फिनिटी टर्म का सम फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी इक्वल ए अपॉन वन माइनस आर। तो जो सीरीज देख रहे हैं वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन एट अप टू इन्फिनिटी, तो ए की वैल्यू वन अपॉन टू, आर की वैल्यू टी टू अपॉन टी वन, टी टू को टी वन से डिवाइड किया तो कितना आया वन बाय टू। एस इन्फिनिटी इक्वल ए अपॉन वन माइनस आर, ये फार्मूला है। ए की वैल्यू पुट कर दी वन अपॉन टू, आर की वैल्यू पुट कर दी वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू वन में से वन अपॉन टू माइनस किया तो वन अपॉन टू बचा, वन अपॉन टू को वन अपॉन टू से डिवाइड कर दिया तो ये वन बचे। तो अनंत श्रेणी का जो सम है वो इसमें वन आया। अदर एग्जाम्पल समझते हैं, प्रूव डेट नाइन की पावर वन अपॉन थ्री, नाइन की पावर वन अपॉन नाइन, नाइन की पावर वन अपॉन ट्वेंटी सेवन अप टू इन्फिनिटी इक्वल क्या फाइंड करना है थ्री। तो अपन इसकी जो पावर दी है उनको लिखेंगे सबसे पहले वन अपॉन थ्री, वन अपॉन नाइन, वन अपॉन सेवन अप टू इन्फिनिटी। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे वन अपॉन थ्री, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे टी टू अपॉन टी वन, तो इसको सॉल्व करने पर आर की वैल्यू भी कितनी आ गई वन अपॉन थ्री, ए की वैल्यू भी कितनी है वन अपॉन थ्री। फिर हमने क्या किया एस इन्फिनिटी जो पावर वाली सीरीज है उसमें एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगाया क्योंकि ये पावर जो है वो इन्फिनिटी तक है। तो ए अपॉन वन माइनस आर, ए की वैल्यू वन अपॉन थ्री, आर की वैल्यू वन अपॉन थ्री, इसको सॉल्व किया वन अपॉन थ्री, नीचे एलसीएम लिया थ्री थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री को काट दिया और थ्री में से माइनस वन माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन टू। अदर एग्जाम्पल समझते हैं, 0.42.5 डॉट का मान ज्ञात कीजिए, तो डेसिमल पॉइंट तक है, दशमलव के तीन स्थानों तक इसका मान हमको लिखना है। तो अपन ये डेसिमल पॉइंट पढ़ चुके हैं पहले भी सेवेंथ क्लास में, तो इसका सॉल्यूशन समझेंगे। 0.42 और 5 पर डेसिमल है और 4 पर नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 0.4 लिखेंगे फिर 2525 अप टू एन टर्म्स। अब इसकी हमको सीरीज बनाना है एन टर्म्स वाली, तो सीरीज बनाने के लिए 0.4 को तो वैसे ही लिखना है प्लस, 0.4 के बाद 25 है तो 4 हटाया तो वहाँ पे एक जीरो लग जाएगी, 0.025। अब 4.25 हटाए फिर कितना आएगा 0.0025 प्लस इन्फिनिटी। तो जिस सीरीज जो बनाई गई है इसको ध्यान से सुनना है और समझना है, अगर ये सीरीज बनाना अपन को समझ में नहीं आया तो इसका सॉल्यूशन निकालना नामुमकिन है। तो इस सीरीज को बनाना अपन में सेवेंथ में सीखा था और फिर से हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। अब 0.4 था तो इसका डेसिमल पॉइंट हटाया तो 4/10 हो गया, 0.025 है तो इसका भी डेसिमल हटाया तो 25/10³ हो गया, प्लस 0.0025 का डेसिमल भी हटाया तो 25/10⁵ प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो इतनी जो प्रोसेस की हमने ये क्यों की, क्योंकि इस सीरीज को अपन को गुणोत्तर श्रेणी में बदलना है और गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए इस सीरीज को उस टाइप में अपन को बनाना होता है। तो 4/10 तो अलग टर्म है तो इसको हमने अलग कर दिया। अब नेक्स्ट जो है 25/10³
प्लस 25 टेन टू द अपॉन 5 प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो फर्स्ट टर्म को छोड़कर लास्ट के जो टर्म हैं वो इन्फिनिटी टर्म हैं, तो इसमें हमने जो कॉमन निकला उसको कॉमन निकाला 25 अपॉन 10 टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सीरीज है। अब जो ब्रैकेट वाली सीरीज है इसको देखना है सिर्फ, तो इसमें a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या आ गई, यही की यही, क्योंकि t2 की वैल्यू ये है और t1 की वैल्यू 1 है, तो r की वैल्यू भी है। अब s इन्फिनिटी का जो फार्मूला है वो a अपॉन 1 माइनस r है। तो इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट किया और जो कॉमन है और जो शेष है उसको अपन ने बाहर ही रखा। तो ब्रैकेट वाले सीरीज में इस फार्मूले को लगाया तो a की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू 1 अपॉन 10 टू द पावर 2। इसको सॉल्व किया तो 4 अपॉन 10 प्लस 25 10 टू द पावर 3 10 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1। इसको फिर सॉल्व किया 4 अपॉन 10 प्लस 25 अपॉन कितना बचा, यहाँ 99 बचा नीचे, और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 2 को काट दिया तो यहाँ नीचे 10 बचा, और 10 का इसमें 99 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 990 आ गया। इनका एलसीएम लिया तो 990396 प्लस 25 और इसको ऐड कर दिया 421190। तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको अपन को इस टाइप से करना है, और जो भी और आगे अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स उनको अपने सीखना है। थैंक्स।